हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में और मेरे किचन में। दोस्तों, आज जो मिठाई मैं यहाँ बना रही हूँ वो मार्केट में मिलने वाले किसी भी मिठाई से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और फ्लेवरफुल बनके तैयार होगी, जिसे मैं बनाऊँगी घर में रखी हुई चीज़ों से। हमें बाहर से कोई भी महंगी चीज़ें, एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेनी है। तो चलिए जानते हैं मैं क्या यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। मैंने यहाँ पर लगभग 200 ग्राम्स के आसपास डेसिक्रेटेड कोकोनट पाउडर ले लिया है। आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट पाउडर भी ले सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पे लगभग 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ले रही हूँ, जो लगभग 40 to 50 ग्राम्स होगा। साथ में 100 to 150 ग्राम्स चीनी, डिपेंड करता है कितना मीठा खाएंगे हम। और साथ में एक बड़ा सा मैंगो लिया है, जो लगभग 200 to 250 ग्राम्स के आसपास होगा। और साथ में है, मैंने आधा लीटर दूध लिया है यहाँ पे 500 ml। और इतने से इंग्रेडिएंट से मैं पूरा का पूरा मिठाई बनाने वाली हूँ। हमारा मैंगो बर्फी इसी से तैयार हो जाएगा। तो ये सारे पल्प को मैं एक जार में रख के ग्राइंड कर लूँगी, जिससे बहुत ही अच्छा प्योरे बन के तैयार हो जाएगा। तो पहले इसे कर लेते हैं। एक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे रखना है और जो मैंने मिल्क लिया है उसे डाल लेती हूँ। और इसे तब तक चलाते रहना है जब तक कि ये रिड्यूस होके लगभग 70% बच जाएगा। और इसके बीच में मैंने जो शुगर लिया था उसे ऐड कर लूँगी। आप शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने जो मैंगो लिया वो काफ़ी मीठा है, इसलिए मैं 100 ग्राम शुगर ही ऐड कर रही हूँ। अब मिल्क काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, तो हम अब इसे चेक कर लेंगे। ये काफ़ी कम हो गया है, फ्लेम को करूँगी कम और कोकोनट पाउडर ऐड करना शुरू कर दूँगी। एक बार में नहीं डाल रही हूँ, मैं स्लोली डाल रही हूँ ताकि मिक्स करने में इजी रहे और सारा ही जो पाउडर है वो मिल्क के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसे लगभग 2 मिनट तक फ्राई करूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर। जब इसे थोड़ी खुशबू आने शुरू हो जाएगी तो हम इसमें मैंगो जो हमने रेडी किया था, प्योरे बनाया था, उसे ऐड करना शुरू करेंगे। इसे भी हम एक साथ नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर बचा हुआ प्योरे डालेंगे, ताकि ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और स्लोली फ्राई भी होते रहे। देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया और इसका कलर कमाल का आया है। अब हम इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक स्लोली इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि हमारा सारा इंग्रेडिएंट पक जाए और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए, वो सूख जाए, तभी ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। अब जबकि काफ़ी हद तक मॉइस्चर सूख गया है, तो हम इसमें अब स्लोली मिल्क पाउडर ऐड करना शुरू करेंगे। मैं इसे भी एक साथ नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो ये हर जगह अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा, कहीं ज़्यादा या कम हो सकता है। अब इस तरह से डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से चलाने से ये आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड होगा, मिक्स होगा और हमारे जो मिठाई का जो कंसिस्टेंसी आएगी, जो टेस्ट आएगा, उसमें सारे इंग्रेडिएंट का आपको टेस्ट बहुत अच्छी तरह से फील होगा। आप देखिए ये किस तरह से रेडी हो रहा है, बहुत ही अच्छा कलर आया है और अब ऑलमोस्ट ये रेडी है। अब एक प्लेट ले लेंगे, उसको नीचे से मैं इसमें घी लगा रही हूँ ताकि ये बर्फी निकालते वक्त चिपके नहीं। और अब मैं ये सारा मिक्सचर इसमें डाल दूंगी और इस तरह से इसको सेट करना है। आप बर्फ़ी का थिकनेस कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है, लेकिन मैं थोड़ा सा मोटा रखूंगी यहाँ पे और इसको अच्छी तरह से सेट करूंगी। इस तरह से एक स्पून की हेल्प से मैं इसे अच्छी तरह से सेट कर लूँगी, ताकि जब हम इसे कट करें तो हमारा बर्फी बिल्कुल भी ख़राब ना हो। लगभग 40 से 45 मिनट मैंने इसे रेस्ट करना छोड़ा है और अब इसके पीसेस मैं कट कर लेती हूँ, ताकि हमारा बर्फी तैयार हो जाए।
तो आप देख सकते हैं मैं इसे बड़े बड़े टुकड़े में काट रही हूँ ताकि ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा और जो लोग खाएंगे वो इसे इंजॉय कर सकेंगे। इस तरह के बहुत सारे रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अब इसे सर्व कर लेते हैं हम। किसी भी ड्राई फ्रूट्स के साथ आप इसे गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे पिस्ते के साथ और रोज़ पेटल्स के साथ गार्निश किया है। आप चाहें तो रोज़ एसेंस के कुछ ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। मिलूँगी इस तरह के बहुत सारे नए रेसिपीज़ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।